ये जो भवन जिसमें हम लोग बैठे हैं, इसमें अत्यंत उपकारक क्या है? ये लोहा, लंगड़, सीमेंट, चूना, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, लोहा, ये उपकारक है? है उपकारक, इसके बिना तो ये सब बनता नहीं। ये प्रकट रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस भवन में हम लोग बैठे हैं, इस भवन में अत्यंत उपकारक क्या है? ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब उपकारक है, इसके बिना भवन नहीं बनता। लोहा, सीमेंट, चूना, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, इन्हीं सब का प्रयोग हुआ है, पर यह इसमें अत्यंत उपकारक नहीं है। ये उपकारक है, अत्यंत उपकारक है इस भवन की आधारशिला। क्या है? आधारशिला। नींव न हो तो आप चाहे जितना बढ़िया भवन बना दें, और नींव न हो तो, अथवा कमजोर नींव हो तो वो भवन कमजोर रहेगा। इसका अनुभव हम लोगों ने किया। हमारे बगल में इधर का जो निर्माण था, उसमें गहरी नींव नहीं भरी गई, तो एक इंजीनियर आए, अच्छे इंजीनियर, एक बाढ़ के बाद कुछ दरारें आ गई थी, फिर दोबारा से निर्माण इधर होना कराना पड़ा। तो उस इंजीनियर ने कहा कि ये जो महल टिका है, जो भवन टिका है, हमसे बोला उसने हंसते हुए, बोले ये जो भवन टिका है, ये आप संतों के भजन के प्रताप से टिका है, हमारी इंजीनियरिंग के हिसाब से इसमें रहना नहीं चाहिए किसी को। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि इसमें थोड़ी पाइलिंग करा के और फिर से आप इसको थोड़ा सपोर्ट करके मजबूत करें, और नहीं इसमें हमारे विचार से रहना नहीं चाहिए। हमने कहा वो तो भगवान की सहारे रहेंगे, सब काम होगा नहीं क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन फिर भगवान ने ऐसी परिस्थिति कृपा करके निर्मित कर दी कि हमारे रसोई घर का प्रकाश, धुआं और ऊपर सब बंद हो गया। तो फिर अब कोई उपाय नहीं था, फिर पुनः से पाइलिंग करके जैसे उन्होंने कहा था वैसे फिर से कराना पड़ा। मूल बात इतनी सी है कि भवन की आधारशिला सुदृढ़ हो तो उस पर भवन भी सुदृढ़ होगा, और उसको आप चाहे जितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उसका भी नियम है, कितनी ऊंचाई तक ले जाना है तो कितनी गहरे तक उसको ले जाना पड़ेगा। अभी हम अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का जो आधारशिला है उसका दर्शन करके आए, आप तो थे साथ में, श्री चंपत राय जी ने सब विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया के भूवैज्ञानिकों को बुलाया गया है, बड़े से बड़े साइंटिस्टों को बुलाया गया है, और इस तरह का काम किया जा रहा है कि कम से कम 1200 से 1500 वर्ष तक किसी भी दैवी आपदा का प्रकोप भवन को प्रभावित न कर सके। इसलिए सैकड़ों करोड़ रुपए जमीन में चला गया है, कितना? हाँ, 150 करोड़ से ऊपर रुपया तो जमीन के भीतर चला गया। चंपत राय जी ने बताया था। और उसमें कौन कौन से पत्थर का प्रयोग हो जिसमें किसी प्रकार के का क्षरण न हो, ये सब बहुत। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो जो जमीन में चला गया 150 करोड़, वो तो कोई देखेगा नहीं, पर जो ऊपर देखे दिखाई पड़ेगा, वो नीचे वाला भले ही नहीं दिखाई पड़ता, पर नीचे वाला है इसलिए ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वैष्णव धर्म, भागवत धर्म,
वो भवन है जिसमें युगल सरकार विराजते हैं, पर उसकी आधारशिला है सनातन धर्म के नियम। वैदिक सनातन धर्म के जो नियम हैं, सांगोपांग वैदिक सनातन धर्म वैष्णव धर्म की आधारशिला है, नींव है, भूमिका है। इसलिए भूमिका कमजोर नहीं होनी चाहिए, भूमिका मजबूत होनी चाहिए। इसलिए इस श्लोक में सनातन धर्म के अत्यंत भक्ति के अत्यंत अंतरंग उपकारक, भक्ति का जो अत्यंत अंतरंग उपकारक सनातन धर्म का जो स्वरूप है, उसके जो लक्षण हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। यदि आप वैष्णव धर्म का आश्रय लेकर, भागवत धर्म का आश्रय लेकर इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वैष्णव धर्म पर तो आप चलिए अवश्य, लेकिन आपको उस वैष्णव धर्म के पथ पर हम चल सकें, वैष्णवता की वृद्धि हमारे जीवन में हो सके, उसके लिए इन सनातन धर्म के नियमों को अपने जीवन में, अपने आचार में, अपने व्यवहार में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। उनमें सबसे पहला कौन है? दानम तपः तीर्थ निषेवणम जपो न चास्त्यहिंसा सदृशी शुभाकृति हिंसा मतस्ताम परिवर्जये जना सुधर्म निष्ठो दृढ़ धर्म वृद्धे। सुधर्म निष्ठा दृढ़ धर्म वृद्धे, दानम तपः तीर्थ निषेवणं च जपः अहिंसा च कस्माद् हेतु, बोले अहिंसा सदर्शी शुभा कृति न अस्ति, अतः सुधर्म निष्ठा जना दृढ़ धर्म वृद्धे ताम हिंसाम परिवर्जयेत। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है, सनातन धर्म के नियम उसके जीवन में नहीं होंगे तो वैष्णव धर्म टिकेगा नहीं। टिकेगा तो बिना नींव का भवन होगा, ढुलमिल होगा, कब ढह जाएगा पता नहीं, कब भक्ति बिखर जाएगी पता नहीं। इसलिए ये नियम होने ही चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।